विशाल का एविक्शन थोड़ा सा अनफेयर लगा मुझे। रणवीर जी एक नंबर के धोखेबाज है, बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। विनर हो गए अनमान मलिक। बिग बॉस पूरी तरीके से वाइट से, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। लोकेश का पत्ता भी साफ होने वाला है, तो उनको घर से भी नहीं निकालना चाहिए था, ये भी बहुत गलत बात है। रणवीर ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कृतिका और साई अनडिजर्विंग है। शिवांगी और विशाल एकदम अच्छी तरीके से गेम्स खेले, को जानबूझ के बचाया जा रहा है। बिग बॉस ने ये बहुत ही गलत किया। रणवीर शौर्य एक महान कलाकार है, मियां बीवी को बचा के ये बहुत गलत काम किया है। शिवानी का तो फेयर था, मुझे नहीं लगता वो विनिंग मटेरियल है। हेलो मैम, आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस की घर से शिवानी और विशाल को इविक्ट कर दिया गया, तो कितना फेयर था और कितना अनफेयर था आपके हिसाब से? ये पूरी तरीके से अनफेयर है, बिकॉज की शिवांगी और विशाल ने एकदम अच्छी तरीके से गेम्स खेले हैं, पूरी शिद्दत लगन के साथ अपना 100% दे के वो लोग ने गेम्स खेले, तो इस हिसाब से तो ये पूरी तरीके से अनफेयर है। बिकॉज वो लोग घर के कामकाज में 100% देते थे अपना, वो लोग का पूरा हाथ था घर के कामकाज में, वो लोग सब कुछ किए, तो उनको घर से भी नहीं निकालना चाहिए था, ये भी बहुत गलत बात है। और तो और जो उन लोग को ट्रॉफी नहीं मिली, वो उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज मैं उनको फॉलो करती हूँ, तो ट्रॉफी के हकदार तो वही थे मेरे हिसाब से। विशाल का गेम आपको कैसा लगता? मेरे को विशाल का गेम तो बहुत अच्छा लगता था। क्या कहना चाहेंगे रणवीर जी ने जिस तरह से विशाल को निकाला, सही था या गलत था? रणवीर जी एक नंबर के धोखेबाज थे, उन्होंने विशाल को ना बचाते हुए मियां बीवी को बचा के ये बहुत गलत काम किया है। इसके साथ आपसे जानना चाहेंगे जिस हिसाब से साई और कृतिका का गेम था घर के अंदर, उनके एफर्ट्स थे, उस हिसाब से क्या लगता है कि वो ज़्यादा डिजर्विंग थे विशाल या शिवानी? विशाल और शिवानी ही ट्रॉफी डिजर्व करते थे, बिकॉज ये दोनों तो किसी काम के ही नहीं है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, मेहनत कुछ नहीं किया। जहाँ तक मैंने देखा है तो विशाल और शिवानी का ही ज़्यादा मेहनत हुआ है, ज़्यादा हाथ वो लोग के थे, उन्होंने अपने 100% दिए, सो ट्रॉफी के हकदार तो वही थे। ओके, अब ये दोनों निकल गए तो आपको क्या लगता है ट्रॉफी किसे मिलनी चाहिए? आर्या को ट्रॉफी नहीं मिला तो बिग बॉस पूरी तरीके से वाइट से। हेलो मैम, आपसे जानना चाहेंगे शिवानी और विशाल का शॉकिंग इविक्शन हुआ तो क्या लगता है कि उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो स्ट्रॉन्ग किया नहीं वो, उनके साथ जो भी हुआ बट गलत हुआ, उनको रहना चाहिए था, अच्छे थे मतलब गेम में परफेक्ट थे। शिवानी टास्क के दौरान इविक्ट हुई और रणवीर ने विशाल को इविक्ट किया, तो क्या लगता है रणवीर ने जो फैसला लिया विशाल को इविक्ट करने का, वो सही था या गलत था? रणवीर जी ने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो चाहते थे कि वो ट्रॉफी मुझे मिले इसलिए। ओके, जिस हिसाब से रणवीर जी ने कृतिका और अरमान को बचाया, क्या लगता है कि उन्होंने बहुत सही किया, आगे चल के अरमान उन्हें धोखा देंगे नहीं? आगे जाके अरमान सबसे बड़ा धोखा देगा सबको। ये भी जानना चाहेंगे जिस हिसाब से साई केतन और कृतिका गेम में बने हुए हैं, क्या लगता है उनका गेम अच्छा है इस वजह से या जानबूझकर उन्हें बचाया जा रहा है? को जानबूझ के बचाया जा रहा है कि वो ट्रॉफी उन्हें मिल जाए। ओके, अगर आप शिवानी या विशाल नहीं है तो क्या लगता है ट्रॉफी कटारिया को मिलेगा, सना मंगल को या रंजित, क्या लगता है मैम आपको? कटारिया को ही ट्रॉफी मिलना चाहिए। थैंक यू मैम। हेलो, आपसे जानना चाहेंगे शिवानी और विशाल का एविक्शन हुआ फेयर था या अनफेयर था, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक शिवानी का तो फेयर था, मुझे नहीं लगता वो विनिंग मटेरियल है, क्योंकि वो एंटरटेनिंग है नो डाउट, वो अपने जो अलग अंदाज लेकर आती हैं उससे एंटरटेन करती हैं लोगों को। बट विशाल का एविक्शन थोड़ा सा अनफेयर लगा मुझे, क्योंकि विशाल और अरमान ये दो लोग ही हैं शो में जो कॉन्टेंट दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, रणवीर शौर्य अच्छा कॉन्टेंट दे रहे हैं और रणवीर शौर्य अपनी गेम बखूबी निभा रहे हैं, अपना जो उनको रोल दिया गया बखूबी कर रहे हैं वो। रणवीर शौर्य ने ही विशाल को एविक्ट किया, अरमान को बचा लिया, आपको इतना लगा उनकी तरफ से? देखो, रणवीर शौर्य कभी भी अपने इमोशंस को दबाते नहीं है और इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, ये दोनों में बहुत अलग अलग चीजें हैं। रणवीर शौर्य एक महान कलाकार है नो डाउट, हालांकि वो उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली भी है कि भाई मुझे काम नहीं है तब मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन ऑडियंस उन्हें बहुत पसंद करती है और उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर वो गेम खेल रहे हैं तो गेम खेल रहे हैं, तो वो गेम में ही है, वो वहाँ रिश्ता बनाने नहीं गए हैं बिल्कुल भी। ओके, कृतिका एंड साई कंपेयर टू विशाल और शिवानी, क्या लगता है कौन ज्यादा डिजर्विंग थे, इन दोनों या फिर जो निकल गए? कृतिका और साई अनडिजर्विंग है बिल्कुल भी अंदर रहने के, और उनको बाहर होना चाहिए था। ओके, जिस हिसाब से शिवानी निकली तो क्या लगता है कि उन्हें जानबूझ कर निकाला गया या फिर बस साई को बचाने के लिए उन्हें निकाला गया बस? अगेन वही मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि शिवानी इज नॉट अ विनिंग मटेरियल,
तो शिवानी अगर विनिंग मटेरियल है ही नहीं, अगर वो उनको सिर्फ एंटरटेन करने आई थी वो, और एंटरटेन हमें बखूबी किया उन्होंने जब तक थी वो, आई थिंक ये लास्ट वीक है, अब तक उन्होंने काफ़ी अच्छा यू नो उनकी परफॉर्मेंस रही सारी चीज़ों में, वो बोली, लड़ाई झगड़े जो भी टॉपिक्स था वो बोली और एंटरटेन करके चली गई हमें। टॉप फाइव ऑलरेडी फिक्स है, मुझे लगता है कि साई, रणवीर जी, मुझे याद दिलाई और कौन कौन है, सना मकबूल, अरमान मलिक, नेजी, बस हाँ नेजी, और इसके अलावा कोई है ही नहीं। लोकेश है, लोकेश नहीं, आई डोंट थिंक सो लोकेश जाने वाले, लोकेश का पत्ता अभी साफ होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। विनर कौन हो सकता है? विनर हो गए अरमान मलिक, क्योंकि कंटेंट दिया है उन्होंने शुरू से लेके लास्ट तक, कुछ भी हो, अगर उनकी वाइफ आई है, ये हुआ, कुछ भी कॉन्ट्रोवर्सीज हो, लेकिन बंदे ने कॉन्टेंट दिया है, तो आई थिंक सो अरमान मलिक विनर हो सकते हैं। अगर अरमान विनर बनते हैं तो सोसाइटी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं? अब क्या है भाई, बिग बॉस से कौन सा बहुत लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है कि भाई मेंटली स्ट्रांग हो जा रहे हैं लोग, बहुत मोटिवेट कर रहा है, जिता दो क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू। हेलो मैम, आपसे जानना चाहेंगे विशाल और शिवानी को घर से इविक्ट कर दिया गया, तो ये कितना फेयर है, आपको कितना फेयर लगता है, कितना अनफेयर लगता है? मुझे तो अनफेयर लगता है, बिकॉज वो डिजर्विंग थे और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑडियंस के लिए भी बहुत इंटरटेनिंग और बहुत सारी चीज़ें थी, पर वो इस शो का जो अवार्ड है तो वो डिजर्व करते थे और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे, सो ऑडियंस को बहुत मज़ा आ रहा था। एज अ ऑडियंस विशाल निकल गए तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। उन्हें नहीं निकालना चाहिए था, वो डिजर्व करते थे। जानना चाहेंगे रणवीर ने विशाल की इविक्ट कर दिया, आप इसके क्या कहेंगे? रणवीर ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, वो उन्हें निकालना नहीं चाहिए था, बल्कि अरमान को निकाल देना चाहिए था। ओके, जिस हिसाब से शिवानी और विशाल को घर से बाहर निकाला गया, कृतिका और साई अभी तक घर में, तो क्या लगता है वो ज़्यादा डिजर्व करते थे या यहाँ पर बिग बॉस बायस्ड हो गए? बिग बॉस ने ये बहुत ही गलत किया, जो डिजर्व करते थे उन्हें निकाल दिया, और वो फेवरेट अपने कंटेस्टेंट को रख लेते हैं और बाकी जो डिजर्विंग होते हैं उनको निकाल देते हैं, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड। ओके, ये इविक्शन हुआ तो क्या लगता है कि ट्रॉफी भी ऐसे भी किसी को ही थमा देंगे? हाँ, जिस तरह से इस चीज़ें चल रही हैं तो मुझे लगता है किसी और को भी थमा सकते हैं ट्रॉफी। ओके, आपके हिसाब से जानना चाहेंगे रणवीर, शिवानी और विशाल निकल गए तो विनर क्वालिटी किसके अंदर है, ट्रॉफी किसे मिलनी चाहिए? लवकेश अच्छा खेल रहा है और विनिंग मटेरियल भी है, तो मुझे लगता है ट्रॉफी उसे ही मिलनी चाहिए। अब बाकी बिग बॉस क्या करता है वो तो उस पर डिपेंड करता है, क्या डिसीजन लेते हैं। ओके, अरमान यहाँ तक पहुँच गए, अरमान मलिक तो क्या लगता है यहाँ तक पहुँचना वो उसके हकदार थे या ऐसे? नो।